नाजरीन, क्या हुआ कि जब एक हिंदू बेटा मौलाना बन के 21 साल बाद जब अपनी माँ से मिलने उनके घर पे गए, ये एक ऐसा अजीब मंजर है जो 21 साल बाद मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने अपनी हिंदू माँ से आके मुलाकात की, क्योंकि इस मौलाना की पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी। उन्होंने दीन इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत से रिश्तों की कुर्बानियाँ दी। 21 साल तक मौलाना अब्दुल रहमान जामी ने अपने वालिदैन से मुलाकात तक नहीं की थी। नाज़रीन, एक मुसलमान के घर में पैदा होकर एक मुसलमान बनकर रहना मुमकिन भी है और आसान भी है, मगर वीडियो में दिख रहे ये मौलाना मेरी और आपकी तरह किसी मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके वालिद एक हिंदू साधु हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी इस्लाम कबूल करने से पहले एक डॉक्टर थे। हिंदू मज़हब में रहते हुए इन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में एक नौकरी भी मिली थी, लेकिन जब इन्होंने 21 साल पहले बहुत करीब से इस्लाम मज़हब को समझने की कोशिश की तो इस्लाम इन्हें बहुत पसंद आया और मज़हब इस्लाम को इन्होंने कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम लाने के बाद इन्होंने एक मदरसे में दाखिला लिया और वहाँ से एक आलिम दीन बनकर निकला। सुभान अल्लाह, लेकिन घर वालों ने इन्हें कबूल नहीं किया, इन्हें इस रूप में अपनाया नहीं, और अपने 21 साल बाद जब मौलाना बनकर अपने हिंदू माँ से मिलने अपने पुराने घर पहुँचे और 21 साल बाद जब पहली बार इनका सामना अपनी माँ से होता है तो माँ तड़प उठती है और माँ रोने लग जाती है। इस वीडियो में देख के आप माँ की तड़प का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहते हैं कि मैं तमाम रुकावटों को पीछे छोड़ते हुए अपनी जाय पैदाइश माँ से मिलने के लिए पहुँचा, लेकिन इस बात का अफसोस कि मैं अपनी माँ को सलाम ना कर सका, कि अल्लाह आप पर रहम कर सके। दोस्तों, किसी भी गैर मुस्लिम के घर में पैदा होकर इस्लाम कबूल करना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बाज़ दफ़ा अपने भाई बहन तमाम रिश्ते नाते अपने प्यारे वतन यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी जुदा होना पड़ता है, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा। अब आप सब मिलके ये दुआ करें कि जब ये दोबारा अपनी माँ से मिले तो उसे सलाम कर सके। बाकी अल्लाह इनकी माँ को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।